लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने बताया कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि खुद से ही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष पर कांग्रेस द्वारा ही टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई ही चली हुई है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने बताया कि बीजेपी ने जो 5 वर्षों में कार्य किए हैं वो जनता के सामने हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्य को पचा नहीं पा रही है और फजूल की बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने जो ये बातें कर रहे हैं वो महज लोगों को भटकाने की बातें कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई लोगों को इनको बताने को है। कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही नहीं, कांग्रेस की लड़ाई खुद के साथ है। आप देखिए, इनके पिछले कल नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इनकी ये बता रहे हैं कि उनका अपना कनुपा था। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं वो जनता के सामने हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विश्व में श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और आगे भी वो करते आएंगे और जनता इसका जवाब 2019 के लोकसभा चुनावों में देगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से लगभग सीटें जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये वही लोग बातें कर रहे हैं जो महज बैठ के राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। 15 लाख रुपये कोई ऐसे पेट में तो उठते नहीं हैं कि जैसे उनके पास आ जाएंगे। ये वही पैसा है जो यहाँ से भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने बाहर के देशों में किया हुआ है। उस पैसे को जल्दी ही भारत में लाकर देश को फिर से अच्छे कामों में लगाया जाएगा। आपके सामने मोदी सरकार ने गरीबों को गैस कनेक्शन दिए हैं, घर आवंटन किए गरीबों के लिए, उन्होंने शौचालय आदि बनाए हैं, भारत स्वच्छता में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस महज बैठ के, इनको कोई मुद्दा है नहीं, बस 15 लाख रुपए के पीछे पड़ी हुई है। जबकि सब जानते हैं कि इस टाइम जनता जानती है कि जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इनके पास तो कोई अभी तक नेता है नहीं। महागठबंधन क्या, ये महाठगबंधन जैसे वो बनाने के जुगाड़ में है, जबकि पिछले कल सपा और बसपा इनसे अलग होने के पहले ही बात कर चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। रही बात यहाँ के सांसद जी की, तो सभी जानते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इतने कार्य किए हैं कि जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है कि यहाँ खेल कुंभ उन्होंने शुरू किया, मोबाइल स्वास्थ्य वैन उन्होंने शुरू की, उन्होंने भारत भ्रमण जैसी अपनी तरफ से किए हुए प्रयास हैं। ये कोई सरकारी प्रयास नहीं है, ये सांसद ने अपनी तरफ से किए प्रयास हैं जो जिसका लाभ यहाँ की जनता को हो रहा है, यहाँ के बच्चों को हो रहा है, यहाँ के खिलाड़ियों को हो रहा है। तो ये सांसद और ने जो वादे किए थे वो लगभग पूरे होने को हैं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया है उन्होंने, ऊना में PGI है, बिलासपुर में एम्स जैसा हॉस्पिटल है, देहरा में यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे अनगिनत काम हैं, हम तो गिनाने में लग जाएंगे तो कांग्रेस वाले सुनते सुनते थक जाएंगे। और अनुराग जी विश्व विख्यात नेता हैं, कोई ऐसे इन जैसे लोगों को नहीं है जो जिनके पास मुद्दा है नहीं। अनुराग जी इतने बड़े नेता हैं कि ये लोग अगर अनुराग जी का नाम भी लें तो अपने आप में इनको पब्लिसिटी मिल रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अनुराग जी के मुकाबले का यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है। ये महज वो लोग हैं जो सिर्फ अनुराग जी का नाम लेके अपनी राजनीति से राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सब जानते हैं कि अनुराग जी जो नेता हैं वो भली भांति जानते हैं कि अनुराग जी इस टाइम सांसद में चीफ व्हिप हैं, जो कि हिमाचल के लिए पहली बार कोई सांसद चीफ व्हिप बना है। उसके बावजूद वो 15-20 कमेटियों के चेयरमैन हैं और यहाँ पे लगातार वो अपने हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में वो आते हैं और यहाँ पे विकास कार्य वो करते आ रहे हैं। तो सभी जानते हैं अनुराग जी के काम पिछले 15 वर्षों से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और वो चौथी बार फिर से यहाँ से सांसद भारी मतों से जीत के रिकॉर्ड बनाएंगे
और ये कांग्रेस वाले ऐसे ही अपना रोटियां सेकते रहेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना तो इनके पास कोई वजह है उनके खिलाफ लड़ने की। तो बस ये ही कहेंगे पोस्टरों वाले। पोस्टरों में भी वही ये बोलते हैं कि एक तरफ जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि एक तरफ नाम और एक तरफ काम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिना काम किए कैसे नाम बन जाता है? धूमल जी ने यहाँ काम किए थे तभी नाम बनाया है, और इन लोगों ने सिर्फ महज ये लोगों को नारा देने से ये जो बातें कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। सभी जानते हैं कि धूमल जी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, और अनुराग जी यहाँ पे विश्व विख्यात युवा नेता हैं, और ये फिर से यहाँ पे चौथी बार जीत कर आएंगे।